और ये लॉर्ड शिवा का, शिव जी का सबसे हाईएस्ट ऊंचा मंदिर है वर्ल्ड का। चंद्रशिला टॉप 360 डिग्री व्यू, बहुत बढ़िया व्यू, सुकून सा मिलेगा। हाँ हाँ, ये देखो, मैं ना बहुत तेजी नहीं कर रहा हूँ चढ़ने में, एंजॉय करते हुए प्रकृति का मजा लेते हुए चढ़ने का अपना ही आनंद है। वहां के नीचे से आए थे हम और अभी बहुत ऊपर जाना है, वो टॉप पे और उससे भी आगे, अभी बादल भी लग गए हैं, बस बारिश ना हो यार प्लीज़, आज भगवान इतनी सुन ले। हो काफ़ी ऊपर पहुंच गए, वहां से वो रोड दिख रही बुग्याल, वहाँ से कहीं से नीचे से करा था और अभी बाकी है, सांस फूलना लाजमी है, नॉर्मल है, ठीक है ट्रैक। सो ये ना सामान ज़्यादा, जितना ज़्यादा उठाओगे उतना ज़्यादा टफ लगेगा, चलते हैं ऊपर। ये देखिए झलक मंदिर की, ये है और वो है चंद्रशिला पीक, बस थोड़ा ही बचा है, उस हिसाब से काफ़ी जल्दी कर लिया मैंने। तो यहाँ अंदर पहुँच गए, मंदिर से पहले सारे तैयारी कर रहे हैं, 10 को कपाट खुलेंगे तो उससे पहले सब मरम्मत कर रहे हैं भाई। यहाँ तो टेंट लगाने पे प्रतिबंध है, चलाने जुर्माना है, मैं इतने फालतू में बोझा ढो के आया, ये पता होता तो मैं हल्के बोझ में तो आता। चलो अब कमरा ही देखना पड़ेगा, यह है सामने मंदिर तुंगनाथ जी का, पंच केदार में से एक है, हृदय है यहाँ पे, और ये लॉर्ड शिवा का, शिव जी का सबसे हाईएस्ट ऊंचा मंदिर है वर्ल्ड का। मंदिर में तो सुबह जाऊँगा सोच रहा हूँ, या देखता हूँ जैसा माहौल बनता है अभी। सो गाइस फाइनली रूम ले लिया मैंने, ऑफ सीज़न में बुरा हाल है, अभी रूम रेडी हो रहे हैं और जिनके रेडी हो चुके हैं ना, 2-3 लोग हैं भाई, बहुत बहुत ज़्यादा रेट बोल रहे हैं, मतलब 3,000 रुपये बोल रहा है एक, दूसरे बंदे ने कहा 1500 से 1 रुपये कम नहीं, और रूम के नाम पे तो कुछ भी नहीं है बस। तो फिर एक राणा जी है जिनके अभी रेस्टोरेंट में मैं जाने वाला हूँ, तो मैं पहले सोच रहा चंद्रशिला चले जाता, 1 किलोमीटर और है, उसके बाद नीचे भी उतर जाता 1 घंटे में, तो फिर मैंने सोचा नहीं यार सुबह मॉर्निंग ना चंद्रशिला से बहुत प्यारा व्यू आता है, अभी बादल लगे हुए हैं तो अभी इतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा है, जब इतनी दूर आए हैं तो यार कैप्चर भी करेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे, खुद भी देखेंगे, मज़े करेंगे, तो ये सोच के मैंने फिर राणा जी ने मुझे एक रूम दिया, अभी इनका रूम एक ही रेडी है, रेडी क्या उसमें बस रजाई गद्दे हैं, इन्होंने कहा बोनी कर दो यार 500 रुपये दे देना, मैंने कहा चलो ये जायज़ है थोड़ा बनता है, तो चलो चलते हैं चाय पीने, उसके बाद टाइम पास करते हैं, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, जल्दी सो जाएंगे, जल्दी उठ जाएंगे, तो चलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स जब मैं आया था 10-12 साल पहले, तो ये देखो ये रॉक ना बिल्कुल ऐसे लगता है शेषनाग की तरह, और इसके नीचे ना एक बाबा सिर्फ बैठते थे, अब तो भाई इन्होंने आश्रम बना दिया, किडिक बम करके बोल रहे थे, किडिक बम। और तुंगनाथ टेम्पल के वहाँ पे भी, अरे यार बर्फ़ पड़ी है अभी, देखो जमी हुई बर्फ, ये देखो बहुत ठंडा है, चिल्ड हो रखा है, और उधर बर्फ़ भी लटक रही है, पानी ना बर्फ़ बन जा रहा है, बहुत ठंडा हो रहा है, मई में ये हाल है यहाँ पे, तो बाद में क्या होगा, थोड़े दिन नज़र मारते हैं इधर क्या बना हुआ है, बाबा की कुटिया भी बंद है,
हैं, बाबा लोग हैं उधर। और ये देखो नाक की तरह। तो आ गई अपनी चाय और मैगी, और ये है ढाबा, एकदम प्रॉपर ढाबा। लोग आ रहे हैं अभी भी, लेकिन कुछ दिखेगा नहीं, पूरा क्लाउडी है। कल सुबह देखेंगे, रात में यहीं करेंगे डिनर। अभी इंजॉय करते हैं चाय और मैगी। तो यहाँ पे है पानी का स्रोत आकाश कुंड। देखो इतने ऊपर से कैसे पानी आ रहा। नंदी जी के मुंह से, गणेश जी के मुंह से नहीं आ रहा अभी। थोड़ा टहलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं कहीं। यहाँ पे कोई रुका था ऐसा लग रहा। और देखते हैं उधर का नज़ारा। पिछली बार हमें यहाँ मोनल दिखी थी। मोनल हमारी स्टेट बर्ड है उत्तराखंड की, और नेपाल की नेशनल बर्ड है मोनल। बहुत खूबसूरत बर्ड है, तो वो दिखी थी। इस बार देखते हैं कुछ दिखेगी तो। और हाँ, भरेल भी दिखी थी। भरेल मतलब ब्लू शिप पहाड़ी, भयंकर डरा दिया, हार्ट अटैक हो गया था, पहाड़ी चूहा था। ये माशे जो मुझे डरा दिया था अभी, ये पहाड़ी चूहा भी है ऐसा लग रहा कि वो भी है रैबिट टाइप। इसकी पूंछ नहीं है देखो। वैसे ये नेचर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए तुंगनाथ चंद्रशिला चौथा बहुत अच्छी जगह है। क्यूट है यार ये। खरगोशी टाइप का ये चूहा नहीं है, चूहे का मुंह लंबा होता है, खरगोश है एक। यार मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं पढ़ना पड़ेगा क्या होता है, भूल गया मैं। ये कान में खुजली भी कर रहा है भाई, ये दिख नहीं रहा क्या मैं बैठा हूँ यहाँ। आई मेट डेविड, ही इज ऑल्सो ट्रैकर फ्रॉम जर्मनी। हेलो। एंड फ्रॉम हैमबर्ग राइट? यस, आई एम फ्रॉम I have been to Hamburg, so that what I was discussing. मैं इनसे डिस्कस कर रहा था कि भाई हैमबर्ग में गया हूँ शिप से, तो ये भी आए ट्रैक करके। मैंने दो ट्रैक रिकमेंड किए हैं, कार्तिक स्वामी और देवरियातार, वो भी आसपास है। कितना प्यारा भुगियाल है, ये भी उसके मज़े ले रहे हैं। केदारनाथ जाना चाहते थे, नहीं जा पाए। तो ये पहाड़ी पहाड़ी जंगली बकरी समझ लो आप, ये खड़ी चट्टानों में रहती है। मज़ा आ गया यार आज। मैंने पिछली बार भी नहीं यहीं इसी कॉर्नर पे देखा था, और इस बार भी यहीं पे देखी है। अभी भाग जाएंगे। ये देखो, अच्छी बात यह है कि डर नहीं रही है। थोड़ा सा डर गई थी। ये देखो ये मादा है, बीच में नर लग रहा है। लोग मरते हैं ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए। ये देख रहे हैं आप, ये देखो, ये देखो, ये देखो जाने लग गई। खड़ी चट्टानों में कैसे चलती हैं, आपने और भी डिस्कवरी में नेट जियो में देखी होगी वीडियोस। खड़ी चट्टानों पे रहती हैं भाई। ये भी इनके पाँव के निशान है, यहाँ पे भी इन्होंने बीट करी हुई है। देखो ऐसी एकांत में रहती हैं। ये रास्ता पता नहीं नीचे नीचे कहाँ जा रहा है। ये देखो इनका झुंड, मज़ा आ गया आज। वाइल्ड लाइफ ये देखो कैसे चढ़ती हैं। देखो वाइल्ड लाइफ का मुझे पहले से शौक है, ट्रू वाइल्ड लाइफ। कुछ नीचे चलेगी, भालू ना यार, ऐसी जगह पे भालू भी रहता है। यहाँ का जंगल ना, स्नो लेपर्ड भी रहता है यहाँ पे। इनके शिकार के लिए इनको ढूंढे ना। ये देखो
ये मुझे कैसे देख रही है, ये देखो। जितनी उत्सुकता से मैंने देख रहा हूँ उतनी उत्सुकता से ये देखो डर भी रही, सोच रही क्या है भाई ये। ऊपर चढ़ी हुई कुछ कुछ नीचे है, ये देखो देखो देखो। अभी वहां जाएंगे सारे नीचे। गिरती नहीं है खड़ी चट्टान से भी। और नीचे बुरांस के फूल भी कितने प्यारे लग रहे हैं। वाओ अमेजिंग, सनसेट होने वाला है। सोच रही है कुछ ऊपर है चुपचाप, उन्हें पता है नीचे आएंगे। कहीं मैं इधर गया स्वर्ण में ऊपर से कूदी और मुझे गिरा दिया, ये भी रिस्क है। देखो देखो देखो, ओ बाप रे क्या जम मारी यार, खट खट खट, मानना पड़ेगा भाई हुनर इनका एक ही थी वहां पे फंसी हुई। ये भाग के नीचे गायब। सनसेट के नजारे, अब ठंड बढ़ रही है वापस चलते हैं। मैंने तो एक्सप्लोर करना था कर लिया, ऊपर भी भाई गुफा दिख रही है वहां पे, निकल लो यहां से। यहाँ पे भालू भी आ सकता है कभी भी। बिल्कुल ये फॉरेस्ट बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट के वाला इलाका है समझ लो आप। ये डिनर टाइम हो रहा है, यहाँ पे राणा जी का ढाबा है, और एक तरफ मैच चल रहा है, दूसरी तरफ आग में रोटियाँ सिक रही हैं, आलू मटर बन गया है, मस्त मजा आ रहा है। यहाँ पे खाना खाएंगे 8 बजे और सो जाएंगे। ये अपना आ गया है मटर आलू, ये और चावल भी है, सब खा रहे हैं खाना। भाई चावल भी मंगा दिए गरम गरम, हाथ से खाने का मजा अलग है। और दाल भी मिल गई, और अचार तो इतना टेस्टी हो रहा है अचार, माय गॉड, घर का बना हुआ अचार है। गरम चावल खाते हैं भाई, ठंडा हो जाएगा एकदम। 8:30 हो गए, खाना खा लिया, मस्त मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया बंदे मिल गए। और ये मेरे हवाले कर रखी चाबी, यहाँ पे कोई नहीं है, अपना ही रूम है। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर का। भाई ये रूम अभी तैयार नहीं हुए हैं, बस एक रूम है, रूम नंबर 1। सर पे लाइट लगा रखी मैंने, बस ये पंडित जी सोते हैं कि यहाँ पे मुझे दे दिया उन्होंने प्यार मोहब्बत में, पानी रख दिया, अब सोते हैं, स्लीपिंग बैग की जरूरत नहीं, रजाइयाँ भरपूर है यहाँ पे, रूम भी ठीक है, बस टॉयलेट नहीं है, रात में ना आए बस। सुबह मिलते हैं आपसे, सुबह चलते हैं चंद्रशिला, बस नींद खुल जाए टाइम पे, सब बढ़िया रहे, गुड नाइट बाय, सुबह करते हैं बात आपसे। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम तुंगनाथ, जय बाबा तुंगनाथ की। रात बहुत अच्छी बीती और सुबह उठ गया हूँ मैं, थोड़ा जल्दी उठ गया था, फिर सोचा जल्दी जाके भी क्या करना, नींद पूरी कर लेता हूँ, लंबा सफ़र है अभी 7-8 घंटे का देहरादून के लिए। तो अभी चलते हैं, 1 किलोमीटर ऊपर ट्रैक है, चंद्रशिला ट्रैक है जो पीक है, वहाँ से सारी माउंटेन्स दिखती है, बट मेरे रूम से भी क्या नज़ारा आ रहा है यार, लो देखो आपको दिखाता हूँ।
तो ट्रैक शुरू कर दिया चंद्रशिला का, ब्यूटीफुल माउंटेन्स। पानी देखो कैसे जम रहा है, बहुत ठंडा था भाई, मई में ये हाल है। वहाँ नीचे से आए थे हम और अभी लगभग आधा किलोमीटर हो गया होगा और वहाँ जाना है हमें, नहीं वहाँ नहीं भाई, वहाँ टॉप पे। हो ऑक्सीजन लो है, यहाँ पेड़ नहीं है ना, बट धीरे धीरे कोई बात नहीं, हो जाएगा। इस नज़ारे के लिए ही मैंने रात में स्टे किया था, कल क्लाउडी था, आज पूरी हिमालय की पीक दिख रही है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम चंद्रशिला, 12 साल बाद वापस, वैसी का वैसी है। तो ये है चंद्रशिला टॉप, 360 डिग्री व्यू, यहाँ देखो आप, ये देखिए रेंज पूरी। इसी नज़ारे के लिए रुका था मैं रात में, मज़ा आ गया भाई साहब। हिम्मत कर लो थोड़ी तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, ट्रैक समय ये सिखाते हैं लाइफ में। यहाँ पे चंद्रमा ने भोलेनाथ की आराधना की थी जब उनको श्राप मिला था, और जब वो उनकी कुछ पत्नियों में से एक ही के पीछे, मतलब वो थे लट्टू, तो उनके ससुर जी ने उन्हें श्राप दिया था, तब उन्होंने यहाँ पे चंद्रमा जी ने आराधना की थी भोलेनाथ की, तब इस जगह का नाम चंद्रशिला पड़ा। तो देखो कितना प्यारा मौसम, साफ है, मौसम ने बिल्कुल साथ दिया, आज रुकने का फ़ायदा हुआ है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप आइए, बहुत ही प्यारा 360 डिग्री व्यू है माउंटेन्स का, और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, पहले इतने नहीं आते थे, अब काफ़ी लोग आने लग गए। अभी सीज़न शुरू नहीं हुआ, अभी कपाट खुलेंगे 10-12 को। सो गाइस अब चलते हैं नीचे की तरफ, अपने को जाना है वापस देहरादून, तो यहाँ पे अलविदा कहते हैं हम और नमस्कार करते हैं भोलेनाथ को, और इस खूबसूरत वादियों का हमेशा फ़ोटो वीडियो में ही देख के मैं नज़ारा लूँगा, और आप लोग भी इसमें एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आई होगी तो ही करना यार, ज़बरदस्ती नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ, बट प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कई लोग सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो देख और आगे बढ़ जाते हैं। मोटिवेशन यार देखो ना, इतना हिम्मत करके यहाँ पे आए, ठीक है, आप लोगों को भी दिखाया, जो लोग बाद में आएंगे तो आना कभी यहाँ पे, जो नहीं आ पा रहे वो वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, काफ़ी वीडियोस हैं इसकी यूट्यूब पे, बट सबका एक अपना तरीका होता है ब्लॉगिंग का। तो मिलते हैं आपसे नीचे, चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। तो चंद्रशिला से वापस पहुँच गए तुंगनाथ, अभी मंदिर के कपाट बंद है, ऊखी मठ में है, जय हो भोलेनाथ। ये देखिए ये है तुंगनाथ का मंदिर, दर्शन कर लीजिए। सबसे टफ इनका रहता है, नेपाली लोग जो काम करते हैं उत्तराखंड में, रोड भी बनाते हैं, यही मेहनत का काम, और ये देखो सिलेंडर वगैरह कितना भारी बोझा है, ये देखो। तो गाइस काफ़ी नीचे आ गया हूँ मैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरिक व्यू है, तो उसके मज़े लेते हुए आ रहा हूँ, भागने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग ट्रैक्स में ना भाग भाग के ऊपर पहुँचते हैं, जैसे कोई कंपटीशन होगा, उसके बाद उतरते भी ऐसे ही हैं, क्या फ़ायदा, फिर आप ट्रैक को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे उतरिए, धीरे धीरे चढ़िए, प्रकृति का आनंद लीजिए। तो ये स्कूल का ग्रुप लग रहा है बच्चों का, कहाँ से आए, कौन से स्कूल से, वेयर, विच प्लेस, अजमेर, वेरी नाइस।
अजमेर से आए हैं ट्रैकिंग करने, छोटे छोटे ट्रैकर्स चले हैं प्रकृति का मजा लेते हुए। बिस्कुट का ये सुन लिया उन्होंने, खाएगा बिस्कुट का आनंद ले रहे हमारे प्यारे दोस्त। एक दोस्त यहाँ से आ रहा है, कह रहा मैं तो छूट गया। क्यों भाई? ये भाई लोग, इनसे दोस्ती हुई थी कल रात, तो ये भी मेरा बैग ले आए। फाइनली ट्रैक कंप्लीट हो गया यहाँ पे। भाई लोग अपने नाम बताओ अपना। संदीप नेगी भाई कल रात मिले थे, और अजीत सिंह राणा जो राणा जी के रुके थे, उनके रिश्तेदार। तो अब यहाँ पे वापस साथ में आए हैं, उनको मैं ड्रॉप करूँगा आगे उखीमठ के बाद, पहले थोड़ा, फिर देखते हैं आगे का जर्नी यहीं पे कंप्लीट होती है। जय हो तुंगनाथ बाबा की।